सलमान खान हर साल अपनी फिल्मों से फैंस को एंटरटेन करते रहे हैं। इस साल वो ईद पर कटरीना कैफ के साथ भारत फिल्म में नजर आएंगे। इसके बाद वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ दबंग सीरीज पार्ट यानी दबंग 3 में नजर आएंगे। इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सलमान आलिया भट्ट के साथ संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म इंशाअल्लाह में भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सलमान और संजय लीला भंसाली की फिल्म हम देख चुके सनम में एक साथ काम किया था। लंबे वक्त बाद ये दोनों एक साथ काम करते नजर आएंगे। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि सलमान खान 2003 में आई फिल्म तेरे नाम के सीक्वल में भी नजर आ सकते हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक डायरेक्टर सतीश कौशिक ने इसके सीक्वल पर मुहर लगा दी है। इस फिल्म से एक्ट्रेस भूमिका चावला ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सलमान और भूमिका की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आई थी। इस फिल्म में सलमान ने राधे नाम के कैरेक्टर का किरदार निभाया था। इसमें उनका हेयर स्टाइल काफी पॉपुलर हुआ था और उनके फैंस ने इसे खूब कॉपी किया था। उनके इस आइकॉनिक रोल को आज भी उनके फैंस काफी पसंद करते हैं। इसके सीक्वल की स्क्रिप्ट राइटिंग हाल ही में सतीश कौशिक ने पूरी की है। खबरों की माने तो सतीश कौशिक की तेरे नाम का सीक्वल भी लव स्टोरी पर होगा, जो गैंगस्टर की प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी। सलमान ने इसके सीक्वल के लिए डायरेक्टर को नए चेहरे कास्ट करने की सलाह दी है। पर क्या दबंग खान इस फिल्म का हिस्सा होंगे? आपको बता दें कि सतीश और सलमान खान के आपसी संबंध काफी अच्छे हैं। ऐसे में ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि इस फिल्म के सीक्वल में सलमान कैमियो रोल करते नजर आ सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यकीनन सलमान के फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी साबित होगी। आप तेरे नाम के सीक्वल के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट करके बताइए और बॉलीवुड टशन को सब्सक्राइब कीजिए।